पिछले दिनों झालावाड़ के नलों के मोहल्ले में रिटायर्ड एएसआई के घर में हुई नकबजनी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने एक शाती नकबजन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने नकबजन अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक आदतन शाती नकबजन है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी नकबजनी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले भोपाल निवाली जैद खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 24-25 की रात को नाला मोहल्ला में एक मकान में नकब हुई थी जी। उस नकब में करीबन 8 तोला सोना और चांदी के जेवरात उसमें चोरी गए थे। सभी हमने हमरा होकर के और उनके दिशा निर्देशन में हमने ये कार्य करते हुए हमने एक अच्छू नाम का एक जो नकबजन है, जिस पूर्व से ही काफी बड़ा नकबजन है, उसको संदेह के घेरे में लेते हुए और कॉल ट्रेस करते हुए उनको हमने पहले प्रथम दृष्टि से उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद पूछताछ की तो पूछताछ में हमको करीबन 8 तोला सोना और चांदी के जेवरात जो उसमें चोरी गए थे वो बरामद हुए। और इस पर पता चला कि भाई ये सोना कहाँ बेचा, तो एक जैद नाम का एक व्यक्ति है जो भोपाल का रहने वाला है, उसको ये जो सामान बेचा था उसको जैद नाम के जो व्यक्ति है उसको पकड़ लिया है और 411 का उसको अपराधी बना दिया है। प्रकरण में आगे अनुसंधान जारी है।